गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम अनुसूची के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अनुसूची क्या होता है? द टर्म शेड्यूल विल बी यूज इज हैज अ क्लियर मीनिंग। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू गैदर सर्वे इंफॉर्मेशन थ्रू पर्सनल इंटरव्यू। क्वेश्चनेयर हैज़ बीन यूज टू लेबल पर्सनल इंटरव्यू इंस्ट्रूमेंट्स एंड एटीट्यूडनल और पर्सनालिटी इंस्ट्रूमेंट्स। द लेटर आर कॉल्ड स्केल्स इन दिस बुक। शेड्यूल इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ओपिनियंस एंड एटीट्यूड्स एंड रीजंस फॉर बिहेवियर, ओपिनियंस एंड एटीट्यूड्स। नेक्स्ट, एन इनएक्सपेंसिव वे टू गैदर डेटा फ्रॉम अ पोटेंशियली लार्ज नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट्स। Comparatively an expensive way to gather data actually filled by the enumerators and researchers. Next, हम बात करेंगे the importance of schedule. अनुसूची का क्या महत्व है? Scheduling is the art of planning your activities so that you can achieve your goals and priorities in the time you have available. When it's done effectively, it helps you understand what you can realistically achieve with your time. Make sure you have enough time for essential tasks. फिर है schedule का main drawback क्या है? Lack of flexibility. इसमें जो है flexibility की जो है इसमें कमी पाई जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी का इसमें अभाव है, लोचिलता नहीं है। विथ अ प्रोडक्शन शेड्यूल यू मे नॉट बी एबल टू अडेप्ट क्विकली इनफ टू अवॉइड प्रॉब्लम्स वंस द मटेरियल्स आर ऑन द वे एंड द स्टाफ इज शेड्यूल्ड टू वर्क। इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप द प्रोसेस एंड डू समथिंग एल्स इफ यू एक्सपीरियंस अ प्रॉब्लम। 10 characteristics of a good schedule. अच्छी अनुसूची की 10 विशेषताएं। It's easily communicated. यह बहुत ही सरलता से संप्रेषित की जा सकती है। It's flexible. इसमें लोचिलता है। It has the commitment of the project team. जो टीम काम कर रही है उसके अंदर कमिटमेंट होना चाहिए। It show interrelationships among tasks very clearly. जो भी ग्रुप काम कर रहा है रिसर्चर का, उसके अंदर दिए जाने वाले काम जो हैं बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। इट्स प्रिपेयर्ड इन द कैलेंडर टाइम नॉट इन नंबर ऑफ वर्क डे। ये कैलेंडर टाइम के अनुसार तैयार की जाती है, न कि नंबर कार्य के अनुसार जो दिन निर्धारित किए उन नंबर के आधार पर। इट फोर्स अर्ली डेडलाइन। अनुसूची में देखा जाता है कि काम की जो डेडलाइन है वो जल्दी से जल्दी पूर्ण कर ली जाए। इट अलाउज फॉर रिवीजन टाइम फॉलोइंग इच रिव्यू। अनुसूची को तैयार करने से पहले हमारे पास पुनरावलोकन का भी समय होता है, हम उसकी कमियों को भी दूर कर सकते हैं। इट बिल्ड्स इन टाइम फॉर स्लीपेज। शेड्यूल के लिए जो कुछ एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज है, पहले हम बात करेंगे अनुसूची के लाभ। इट इज़ अ यूजफुल मेथड इन केस द इन्फॉर्मेंट्स आर इलिटरेट। यदि अनुसूची का इस्तेमाल करने वाले इलिटरेट या अशिक्षित हों तो ये उनके लिए लाभदायक नहीं होगी। द रिसर्चर्स विल सॉल्व द नॉन रेस्पॉन्स इश्यू एज द एनुमरेटर्स गो टू गेट द इंफॉर्मेशन डायरेक्टली। इसमें जो रिसर्चर होता है वो स्वयं पर्सनली जाकर के प्रत्यक्ष रूप से इंफॉर्मेशन को उत्तरदाताओं से भरवाता है। इसमें समय ज़्यादा लग जाता है और ये खर्चीली प्रक्रिया है। इन एक्सटेंसिव स्टडीज़ इट इज़ वेरी यूजफुल।
एंड कैन गेट मोर रिलायबल डेटा। अनुसूचित से जो हमें समंक प्राप्त होते हैं वो बहुत ही रिलायबल होते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण भी होते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, अनुसूची के जो कुछ दोष हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, यह एक बहुत ही अधिक खर्चीली प्रक्रिया है। इट्स अ मेथड दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इस प्रक्रिया में बहुत समय व्यय हो जाता है। इवन इन द प्रेजेंस ऑफ द रिसर्चर्स द रेस्पोंडेंट मे नॉट रेस्पोंड टू सम पर्सनल क्वेश्चन। अनुसंधानकर्ता के सम्मुख उत्तरदाता जो है सभी प्रश्नों के सही उत्तर दे या अपने पर्सनल व्यक्तिगत प्रश्नों के उत्तर देना वो उचित नहीं समझता है, वो सभी प्रश्नों के सही जवाब नहीं देता है। रिलायबिलिटी डिपेंड ऑन डेटा कलेक्शन, ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन। डेटा तभी रिलायबल होंगे जबकि उत्तरदाता जो है ईमानदारी से और समझदारी से प्रश्नों के उत्तर को देगा, नहीं तो अनुसूची किसी भी काम की नहीं रहेगी यदि उत्तर सही नहीं दिए गए हैं। थैंक्स।